व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज 150 सीटों के लिए नए सत्र की MBBS कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KD सिंह भी उनके साथ उपस्थित हुए। कॉलेज प्रबंधन कमेटी की ओर से बुके भेंट करके उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने कहा कि ये पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस कॉलेज में 150 MBBS सीटों की एडमिशन हुई है। आज कॉलेज में बच्चों के अभिभावक उन्हें कैंपस में छोड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने बच्चों को भरोसा दिलाया कि उन्हें एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए हर सुविधा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर बच्चों के रहने और खाने पीने सहित अन्य सहूलतों का भी खास ध्यान रखा जाएगा ताकि वह बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा कर सकें। उन्होंने कॉलेज को बुलंदियों तक पहुँचाने में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। सब तो पहले तो मैनू ये कहना कि साढ़े पंजाब स्टेट नू स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और पठानकोट नू स्वर्ण सलारिया परिवार की तरफों स्वर्ण सलारिया की तरफों बहुत बहुत मुबारक कि एक कॉलेज पिछले 2011 तो स्ट्रगल कर रहा सीगा आज वो कॉलेज 150 MBBS की एडमिशन 2021 दी मिली है एज ए रिकोगनाइज कॉलेज नॉट एज ए न्यू कॉलेज। इहदा मतलब यह हुंदा कि हुण यह कॉलेज एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एक कॉलेज एलिजिबल है यूनिवर्सिटी बनने के लिए। ये एक बहुत बड़ा तोहफा साडे हल्के वास्ते क्योंकि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद यह पहला इंस्टीट्यूट है जिहड़ा 150 किलोमीटर के रेडियस कोई दूसरा नहीं हैगा प्राइवेट। बड़ा चंगा लगता है क्योंकि मैं इत्थे पैदा होया, मेरी सोसाइटी नूं मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकिया। ये सारा श्रेय मैं मेरे परिवार नूं, मेरे पेरेंट्स नूं, माता पिता नूं जिन्हों के संस्कार सीगे कि जिथे पैदा हो अपनी जन्मभूमि नूं अपनी सोसाइटी नूं जरूर कंट्रीब्यूट करो। मैं कह रहा अज माता वैष्णो देवी दा बहुत बड़ा आशीर्वाद होया कि 150 बच्चे अज एडमिट हो गए कॉलेज और कॉलेज बुलंदिया ते आ गया। और जिहड़े लोकी नाल सीगे जिहड़े नाल नहीं भी सीगे उन्हां नूं भी एक बारी बहुत बहुत मुबारक। और तुहानूं स्पैशली सारिआं नूं कहेंगे तुसी मेरे नाल मेरे सारे चंगे बुरे टाइम ते नाल खड़े रहो, स्पैशली मेरे प्रेस वाले मेरे भरा। एज ए चेयरमैन प्रियोरिटी सब तो नंबर वन गिव गुड एजुकेशन, सब तो सोहनी वधिया एजुकेशन दिती जाए जिहड़े बच्चे MBBS दे मेरे कोल पढ़ रहे हैं ताकि चंगे डॉक्टर बन के 109 ज्वाइन कर गए ना 41 इस वीक ज्वाइन करेंगे। देखो बच्चों वास्ते सोना रहन का बंदोबस्त है, खाने का सोना बंदोबस्त है, स्पोर्ट्स का बंदोबस्त है, क्लासेस चंगिया लगनगिया, हर एक चीज़ जिहड़ी हिंदुस्तान किसी मेडिकल कॉलेज वास्ते चाहिए है। एक चंगा डॉक्टर बनने वास्ते वो साढ़े कॉलेज अवेलेबल हैगी है। बड़ी खुशी की गल है कि पिछले 4 कोर्स जिहड़े बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने जिन्हें एग्जाम हुए साढ़े बच्चों के और बच्चे पास आउट होए ने इतों डॉक्टर बन के निकले ने, उन्होंने जोड़े 10 टॉपर सके उन्होंने तो 5 या 6 बच्चे चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज जोड़ा हूँ व्हाइट मेडिकल कॉलेज है इस कॉलेज के बच्चे सके। तुम इमेजिन कर सकते हो साडे एजुकेशनल स्टैंडर्ड की होएगा क्योंकि मेरा इको ही पर्पज है इतने कि अच्छे डॉक्टर और मजबूत डॉक्टर नॉलेजबल डॉक्टर बनाना। यद अलावा कुछ दूसरा नहीं, साढ़े को 244 डॉक्टर ने उदे क्लीनिक ट्यूटर फैकल्टी सारे ऑन रोल और इतने पहला कोर्स है जिद बाद तकरीबन 45 के बंद डॉक्टर चाहिए ने। हर डॉक्टर का नंबर लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर हो नैट से छड़े हुआ है, कोई भी चैक कर सकता है, कितने भी देख सकता। देखो इस बार थोड़ी सी लोकल की प्रॉब्लम सी बिकॉज लोगों शायद पता देर न लग्या क्योंकि सानू परमिशन मिली है 11 अप्रैल तो कुछ बच्चे एडमिट हो चुके थे, फिर भी मेरा ख्याल है कोई 10-15% साढ़े लोकल है और मैनू बड़ी खुशी है
कि पठानकोट तो भी 7-8 बच्चे हैगे ने सिर्फ पठानकोट सिटी तो, और आने वाला टाइम इन्हां कोल सारियां कोल मौका होएगा। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अज पेरेंट्स देखे जा रहे हैं, पेरेंट्स इन्ने खुश ने जिहदे कोई हिसाब नहीं, और वो कह रहे हैं असीं सारे मिलकर सलारिया साहब तुहाडे नाल मिलकर कॉलेज नूं बुलंदियां ते लैके जांगे तां कि अच्छे डॉक्टर पंजाब हिंदुस्तान नूं और दुनिया नूं दे सके। बच्चों को मेरी तरफ से एज ए मुखिया होने के नाते एक ही संदेश हैगा, जिस परपज वास्ते आयो उहदे च अपनी रुचि रखना, दिन रात पढ़ाई करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, तुहाडियां प्रॉब्लम जिहड़ियां नूं मेरे ते छड्ड दिओ, मैं दिखांगा। तुसीं अपना सिर्फ पढ़ाई करो, अपनी सेहत दी तरफ ध्यान रखो, और एक बार फिर बच्चों नूं उहनां दे पेरेंट्स नूं मेरे सारे जिहड़े लोकी मेरे नाल जुड़े ने ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सेफ्टी सिक्योरिटी स्वर्ण सलारिया तो बैटर कौन करदा, सिक्योरिटी कंपनी का मालक हाँ, हर तरह की सिक्योरिटी बच्चों की होएगी, क्योंकि बच्चे जो कंपलैक्स के अंदर रहने हैं बाहर जाने नहीं, जे बाहर जाएंगे पेरेंट्स लैके जाएंगे और पेरेंट्स छड़ के जाएंगे, ये अलावा बच्चे अलाउड नहीं है बाहर जाना।